आज के दिन की कहीं हम बात करें तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव की हम बात करें तो 7 से 8% की जंप देखने को मिल रही है। और पिछले मैं बात करूँ तो 5 जून से 19 जून यानी कि 14 दिन, लेकिन मार्केट जो चालू रहता है और हॉलीडेज में इंक्लूड नहीं है, उधर से हम पकड़ के तो लगभग आपको कितना 9 दिन देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो 9 दिन, और 9 दिन के अंदर एक कंपनी के जो स्टॉक है वो 95% का रिटर्न दिया है, और उसकी वजह है कि स्टॉक है वो स्प्लिट होने वाला है, और ये न्यूज़ की वजह से स्टॉक लगातार ऊपर ही भाग रहा है। और पिछले 9 दिन में एक कंपनी का स्टॉक है वो 95% का रिटर्न दे चुका है। और आगे मैं बात करूँ तो आप रिटर्न भी देख सकते हो, 5 दिन की मैं बात करूँ तो 39% का रिटर्न पिछले एक महीने के अंदर, अगर हम बात करें तो 67% का रिटर्न, 6 महीने के अंदर 150% का रिटर्न, 1 साल के अंदर 800% का, और 5 साल के अंदर 2100% का जो रिटर्न है वो इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ तो बर्न हिस्टन ये जो है वो US की ब्रोकरेज फर्म है, और उनका कहना है कि इंडस्ट्री बैंक है वो 20% ऊपर, और जो बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो 7% नीचे आ सकता है, वो एक अनुमान लगा रहे हैं ऐसा। देखो कोई भी जो रेटिंग रहती है, कोई भी ब्रोकरेज फर्म उनका जो रेटिंग रहती है वो ठीक है, ऊपर जो रेटिंग देते हैं कोई भी स्टॉक के और डाउनग्रेड के जो रेटिंग है वो मिलती है, लेकिन एक टाइम के लिए भले वो स्टॉक ऊपर या तो नीचे भी आ जाएगा, लेकिन अगर वो कंपनी का स्टॉक अच्छा है तो वो डेफिनेटली अगर गिरावट भी होगी तो ऊपर आ जाएगा। तो मतलब ऐसा जो रेटिंग रहती है उससे कोई टेंशन होती नहीं है, लेकिन एक उनका कहना ऐसा है कि मानना है कि ये जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है वो 7% नीचे हमें देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं बजाज, जबकि बजाज फाइनेंस की जो स्टॉक है वो 7% गिरावट का अनुमान है, और इंडस्ट्री बैंक के अंदर 20% और मुथूट फाइनेंस के अंदर 14% की तेजी दिख रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो इसकी को 10% की जब देखने को मिल रही है इस कंपनी के स्टॉक के, और इस कंपनी के स्टॉक की बात करो तो ये मार्केट के अंदर कल ही लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है। 18 जून कल ही इस कंपनी के जो मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ था, और इशू प्राइस थी 93, और आज इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस कितनी 183, यानी कि इशू प्राइस से ये कंपनी का जो स्टॉक है वो 112% का रिटर्न दे चुका है इशू प्राइस से, और उसकी वजह है फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग। हम बात करें तो गाइस गौतम अदानी की हम बात करें तो एवरीडे की अलग अलग आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे कि गौतम अदानी है वो इस कंपनी को खरीद रहे, इस कंपनी को खरीद रहे, वो कंपनी में निवेश कर रहे, वो कंपनी में निवेश कर रहे। अभी और एक न्यूज़ है वो हमें देखने को मिल रही है कि गौतम अदानी है वो एनर्जी ट्रांजेक्शन के अंदर बात करें तो आने वाले नेक्स्ट कितने 10 ईयर के अंदर $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले, और 1-2 दिन की बात नहीं हो रही है, कितना दिन है आगे आने वाले 10 साल की बात हो रही है इधर, तो वो भी आपको देखना है। मतलब और आप खुद को मैं बात करूँ, कोई भी एक लंबी अवधि के लिए जो स्टॉक में निवेश करते हैं तो उनका यही फायदा होता है, बाकी 1-2 दिन के अंदर भले वो मार्केट के अंदर स्टॉक है वो गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर स्टॉक में निवेश करते हैं तो ये एक लंबे टाइम का जो है लॉन्ग टर्म का जो फायदा है वो यही होता है कि अलग अलग कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट होती है, और स्टॉक है वो मतलब कंपनी का अगर अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा तो कंपनी का जो स्टॉक है वो लगातार ऊपर ही जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो उनका यही बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते तो गाइस एक्सिकॉम टेली सिस्टम, इस कंपनी के अंदर आज के दिन की लगभग 6.5% की जो जंप है वो हमें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह है कि यह कंपनी है वो इलेक्ट्रिक मतलब जो EV चार्जिंग रहते हैं उनके अंदर काम करती है। और यह कंपनी की बात करूँ तो एक्सिकॉम टेली सिस्टम है वो जर्मनी की EV चार्जिंग फर्म है, उसके साथ एक डील करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से आज के दिन के जो जंप है वो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आज के दिन के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के दिन का आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कई चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस चैनल के ऊपर एवरीडे की स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मिलते रहे।